सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग टेक्नो ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों हम सभी रहते हैं बहुत ही अलर्ट हमारे ऑनलाइन सिक्योरिटीज को लेकर, चाहे वो हमारा जीमेल अकाउंट हो या फिर हमारा गूगल ड्राइव हो जिस पर हम स्टोर करते हैं हमारे सभी वैल्यूएबल फोटोज, या फिर जब हम किसी से चैट करते हैं तो हम ये बहुत ही अलर्ट रहते हैं कि हमारे जो चैट है वो किसी तरह से लीक ना हो जाए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में तो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के रखते हैं ताकि ये हमारे सारे ऑनलाइन अकाउंट जो है वो बिल्कुल सिक्योर रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपके मोबाइल और आपके कंप्यूटर्स के बारे में, इनके सिक्योरिटी का क्या, क्या आपने उसमें कभी एनक्रिप्शन का यूज़ किया है? दोस्तों अगर आपने अभी तक उसमें एनक्रिप्शन का यूज़ नहीं किया है तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक, क्योंकि मैं आज आपसे इसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं अमेजिंग टेक्नो ट्यूटोरियल्स, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी बात किया ऑनलाइन सिक्योरिटी की, हम ये मानते हैं कि जब हम किसी को मेल करते हैं तो हमारा जो मेल जो होगा वो बिल्कुल एनक्रिप्टेड रहेगा और बीच में वो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे मोबाइल या कंप्यूटर पे, उसके सिक्योरिटी का क्या। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका मोबाइल कभी चोरी हो जाता है या फिर आपका लैपटॉप कभी चोरी हो जाता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो डिवाइसेस है वो किसी और के हाथ में चला जाएगा और आपका डाटा के ऊपर पूरा कंट्रोल उस बंदे का होगा जिसके पास आपका डिवाइस अभी है। तो ऐसे में क्या करेगी वो, उसके पास भले ही डिवाइस हो लेकिन वो आपके डाटा का यूज ना कर पाए। तो ऐसे में दोस्तों हमें करना पड़ता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये है कि हम फुल डिस्क एनक्रिप्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है आपका जो पूरा हार्ड ड्राइव जो होगा वो बिल्कुल एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा जब तक कि वो पासवर्ड उसमें एंटर ना करें हम। तो जैसे ही हम पासवर्ड एंटर करते हैं वो आपका पूरा जो डिस्क है वो डिकोड हो जाएगा और आप आपके सारे डेटा का यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें एक्चुअल में होता क्या है, हम हमारे विंडोज में बिट लॉकर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं एनक्रिप्ट करने के लिए, और हमारे एंड्रॉयड फोन्स में भी हम बिट लॉकर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं हमारे फोन के पूरे डिस्क को एनक्रिप्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक ड्रॉबैक ये निकल के आ गया कि मान लीजिए कि आपने यूज करने के लिए आपके फोन को हाथ में लिया और आपने पासवर्ड डाला और उस एनक्रिप्शन को खोल दिया, और उसी टाइम आपके घर के बाहर एक घंटी बजती है और आप दौड़ के जाते हो फोन को वहीं रखकर और आप गेट खोलते हो, इतने में मान लीजिए कि आपके घर में आपके भाई बहन मम्मी पापा किसी ने भी आपका फोन हाथ में ले लिया, और तो फिर वो आपके फोन को पूरी तरह से एक्सेस कर पाएंगे, आपकी गैलरी चेक कर पाएंगे, आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक कर पाएंगे, और ऐसे में आपकी बहुत सारी पॉलें खुल सकती है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पर फाइल को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको आपके एक एक सॉफ्टवेयर पे पासवर्ड लगाना पड़ेगा और उस पासवर्ड से आपके जो डिवाइस के सारे सॉफ्टवेयर है वो एनक्रिप्ट हो जाएंगे। ये काम हम हमारे विंडोज पे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक वर्ड फाइल को एनक्रिप्ट करना है तो आपको उसको राइट क्लिक करना है, उसके प्रॉपर्टीज में जाके एनक्रिप्शन के यहाँ एक चेकबॉक्स होगा उसको खाली आपको टिक करना है और आपकी जो फाइल होगी वो एनक्रिप्ट हो जाएगी, फिर उसे कोई भी बिना पासवर्ड के ओपन नहीं कर पाएगा। यही चीज आपको मोबाइल में भी करना है, लेकिन मोबाइल में इतना इजी नहीं होता है, आपको उसके लिए एक दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन उस एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। दोस्तों अभी तक तो हमने बात कर ली कि कैसे हम हमारे डिवाइस को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक कंप्यूटर हो या फिर वो एक मोबाइल हो। लेकिन दोस्तों क्या एनक्रिप्शन सिर्फ पासवर्ड लगाना होता है, हम उस पासवर्ड लगा रहे हैं उसको अनलॉक कर रहे हैं और हमारा डिकोड हो रहा है, क्या सिर्फ इतना ही एनक्रिप्शन है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एनक्रिप्शन बहुत बड़ी चीज़ है, जितना कि आप देख रहे हैं उससे भी कहीं बहुत बड़ी चीज़ है एनक्रिप्शन। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि एनक्रिप्शन एक्चुअल में होता क्या है। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 15 कैरेक्टर्स, ये जबकि ये एक एनकोडेड मैसेज है। कहने का मतलब ये है कि ये एक एनक्रिप्टेड मैसेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, आप इसको पढ़ के देख लीजिए आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये कुछ सिर्फ 15 कैरेक्टर्स दिखेंगे लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर एक मैसेज है जो आपको एक थर्ड पार्टी को भेजना है। तो अब आपके थर्ड पार्टी को पता है कि इसे कैसे डिकोड करना है, लेकिन बीच में अगर कोई इसको हैक करने की कोशिश करता है और अगर उसको ये मैसेज मिल जाता है तो वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा कि यार एक्चुअल में है क्या ये 15 कैरेक्टर, इसमें है क्या चीज़। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि जो थर्ड पार्टी होती है उसको हम पहले से बता के रखते हैं कि इसको डिकोड करना क्या है, डिकोड करने का फॉर्मूला क्या है। अब आप देखिए मैं बताता हूँ डिकोड करने का फॉर्मूला क्या, आप इसको ध्यान से देखना है इस मैसेज को। देखिए हर तीसरे कैरेक्टर पर आप ध्यान से देखना, पहला देख लीजिए ये दो कैरेक्टर, उसके बाद टी, फिर उसके बाद दो कैरेक्टर, फिर आया आई, फिर दो कैरेक्टर, फिर आया जी, उसके बाद फिर दो कैरेक्टर, फिर ई, फिर दो कैरेक्टर, फिर आर। अब आप इस टी को अलग ले लीजिए, आई को अलग ले लीजिए, फिर उसके बाद जी को अलग ले लीजिए, अब इस ई को भी अलग ले लीजिए और इस आर को भी अलग ले लीजिए, यानी कि बीच में से आप हर थर्ड कैरेक्टर को आप अलग ले रहे हो। अब आप इसको साथ में पढ़ के देखिए, तो दोस्तों ये है टाइगर, आपको आपके थर्ड पार्टी को ये मैसेज भेजना था टाइगर, और उनको डीकोड करने का आपने पहले से बता रखा था कि
आपको हर तीसरे कैरेक्टर को अलग लेके पढ़ के देखना है। तो उनको तो पता है फॉर्मूला, लेकिन बीच में हैक करने वाले को फॉर्मूला कभी पता नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपका जो फाइल है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई भी उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, हम जितना ध्यान रखेंगे हमारा डाटा उतना ही प्रोटेक्टेड रहेगा। तो दोस्तों यही थी सारी कहानी एनक्रिप्शन की। उम्मीदें वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपके जो भी सुझाव है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।